सुमन गिल, डेविड मिलर और अभिनव मनोहर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस को तूफान में उड़ा दिया। अपने बल्लेबाजी के दम पर विशाल लक्ष्य खड़ा किया। दोस्तों, गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बीच आज खेले गए बेहद ही रोमांचक मुकाबले में मुंबई इंडियंस के सामने गुजरात टाइटंस ने 207 रनों का विशाल लक्ष्य रखा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में विस्तार से बात करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हार्दिक पांड्या को बेहतरीन खिलाड़ी और रोहित शर्मा को बेहतरीन कप्तान समझते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप भी रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या को एक बेहतरीन कप्तान समझते हैं तो इस वीडियो में बने रहें एंड तक। मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के बीच यह मुकाबला खेला गया। मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इस मैच में मुंबई की टीम ने दो बदलाव के साथ उतरी। ऋतिक शौगिन की जगह कुमार कार्तिक को मौका दिया। टाइटंस की बल्लेबाजी शुरू हुई और रिद्धिमान शाह, सुमन गिल क्रीज पर आए। मुंबई इंडियंस के लिए पहला ओवर अर्जुन तेंदुलकर ने किया। पहले ओवर के बाद गुजरात का स्कोर बिना किसी नुकसान के 4 रन है। अर्जुन तेंदुलकर शानदार बॉलिंग करते हुए 4 रन ही दिए पहले ओवर में। दूसरा ओवर में 12 रन के स्कोर पर गुजरात टाइटंस का पहला विकेट गिरा। रिद्धिमान शाह 7 गेंद में 4 रन बनाकर आउट हो चुके हैं। अर्जुन तेंदुलकर की लेग स्टंप के बाहर की गेंद पर विकेट कीपर ईशान किशन ने उनका कैच पकड़ा। अब सुमन गिल के साथ कप्तान हार्दिक पांड्या क्रीज पर है। 3 ओवर के बाद गुजरात का स्कोर 1 विकेट पर 12 रन पर गुजरात का पहला विकेट गिरने के बाद कप्तान हार्दिक पांड्या ने सुमन गिल के साथ मिलकर पारी संभाली। दोनों बल्लेबाज अच्छी लय में दिख रहे। गुजरात का स्कोर बिना किसी नुकसान 30 रन के पार जा चुका। पावर प्ले में गुजरात टाइटंस ने 1 विकेट खोकर 50 रन बना लिए। शुभमन गिल ने आक्रामक बल्लेबाजी की है, अपनी टीम से बेहतर स्थिति में पहुंचा दिया। उन्होंने ग्रीन के 1 ओवर में 17 रन बटोरे। 50 के स्कोर पर गुजरात की टीम का दूसरा विकेट गिरा है। कप्तान हार्दिक पांड्या 14 गेंद में 13 रन बनाकर आउट हो चुके हैं और उसका स्टिकल भरा पारी समाप्त हो चुका है। पीयूष चावला, उन्होंने सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच कराया। 7 ओवर के बाद गुजरात का स्कोर 2 विकेट पर 55 रन है। शुभमन गिल के साथ विजय शंकर क्रीज पर है। विजय शंकर और शुभमन गिल गुजरात की पारी को संभाली। दोनों अच्छी लय में दिख रहे हैं और तेज गति से रन बना रहे हैं। 2 विकेट के नुकसान पर गुजरात का स्कोर 80 रन के पार पहुंच गया। सुमन गिल 30 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। उन्होंने अपनी पारी में अब तक 6 चौके और 1 छक्का लगाया। इस सीजन यह उनका तीसरा अर्धशतक है। गिल ने विजय शंकर के साथ शानदार साझेदारी की और टीम का स्कोर 100 रन के करीब पहुंचा दिया। दोस्तों, आपको सुमन गिल के बारे में एक और बता दें कि WTC यानी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल के लिए सुमन गिल का भी चयन हुआ है, तो उस पर भी मैं वीडियो बनाया हूं। जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं, उसमें फुल डिटेल में विस्तार से बात किया हूं कौन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए टीम इंडिया में है और कौन नहीं है। उस वीडियो में आपको विस्तार से मिल जाएगा सारे प्लेइंग 11, तो जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं आपको यहां पे आई बटन में उसका लिंक दे देता हूं। 91 रन के स्कोर पर गुजरात टाइटंस का तीसरा विकेट गिरा है। सुमन गिल 34 गेंदों में 56 रन बनाकर आउट हो चुके। उन्होंने भी पारी में 7 चौके और 1 छक्का लगाया। कुमार कार्तिक ने उन्हें सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच कराया। 12 ओवर के बाद 3 विकेट के नुकसान पर गुजरात टाइटंस का स्कोर 100 रन के पार जा चुका है। विजय शंकर और डेविड मिलर क्रीज पर है। शंकर अपनी नजरें जमा चुके और उनकी कोशिश तेजी से रन बनाने की होगी। वहीं मिलर उनका साथ देते हुए बड़ी साझेदारी करने की कोशिश करेंगे। 101 रन के स्कोर पर गुजरात का चौथा विकेट गिरा है। विजय शंकर 16 गेंदों में 19 रन बनाकर आउट हो चुके हैं। पीयूष चावला ने उन्हें टीम डेविड के हाथों कैच किया। अभिनव मनोहर और डेविड मिलर क्रीज पर है। 13 ओवर के बाद गुजरात का स्कोर 4 विकेट पर 101 रन पर 4 विकेट गंवाने के बाद गुजरात की पारी लटकाई थी, लेकिन डेविड मिलर और अभिनव मनोहर ने शानदार साझेदारी कर गुजरात को बेहतर स्थिति में पहुंचा दिया है। दोनों ने तेज गति से रन बनाकर और अपनी टीम को बड़े स्कोर की तरफ ले जा रहे हैं। 16 ओवर के बाद गुजरात का स्कोर 4 विकेट पर 137 रन हो चुका है। 4 विकेट के नुकसान पर गुजरात टाइटंस का स्कोर 150 रन के पार जा चुका। अभिनव मनोहर और डेविड मिलर के बीच शानदार साझेदारी हो चुकी है और दोनों तेज गति से रन बना रहे हैं, अपनी टीम को बड़े स्कोर की तरफ ले जा रहे हैं। डेविड मिलर और अभिनव मनोहर के बीच अर्धशतक की साझेदारी हो चुकी है। दोनों तेज गति से रन बना रहे हैं और सिर्फ 29 गेंदों में 50 रन जड़ चुके हैं। खासकर मनोहर अपने अर्धशतक के करीब पहुंच गया। उनकी शानदार पारी के चलते गुजरात का स्कोर 18 ओवर के बाद 172 पर 4 विकेट है। 172 के स्कोर पर गुजरात टाइटंस का 5वां विकेट गिरा है। अभिनव मनोहर 21 गेंदों में 42 रन बनाकर आउट हो चुके हैं। उन्होंने अपनी पारी में 3 चौके और 3 छक्के लगाए। रैली में मेद्रित ने उन्हें जेसन बैन ड्रॉप के हाथों कैच कराया। अब मिलर के साथ राहुल तेवतिया क्रीज पर है। 19 ओवर के बाद गुजरात का स्कोर 5 विकेट पर 191 यानी कि 191 रन पहुंच चुका है। 5 विकेट के नुकसान पर गुजरात का स्कोर 200 रन के पार जा चुका है। डेविड मिलर और राहुल तेवतिया ने अंत के ओवरों में तेजी से रन बनाकर टीम का स्कोर 200 रन के पार पहुंचा दिया। 205 रन के स्कोर पर गुजरात का 6वां विकेट गिरा है। डेविड मिलर 22 गेंदों में 46 रन बनाकर आउट हो चुके हैं। जेसन बैन ड्रॉप ने उन्हें सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच कराया। मिलर ने अपनी पारी में 4 छक्के और 2 चौके लगाए। आपको बता दें दोस्तों कि इसी के साथ मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई के सामने 208 रन का विशाल लक्ष्य रखा। आप जो है सो रोहित शर्मा को जीतने के लिए 208 रन ही बनाने होंगे और मुंबई इंडियंस को शानदार बल्लेबाजी करना होगा। 208 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी शुरू हुई। रोहित शर्मा और ईशान किशन की सलामी जोड़ी क्रीज पर आई। गुजरात की तरफ से मोहम्मद शमी ने पहला ओवर किया। 1 ओवर के बाद मुंबई
होगा इसको बिना किसी नुकसान, दो रन है और आईपीएल में ये खराब शुरुआत कहलाया जाएगा। आपको बता दें दोस्तों कि पावर प्ले मुंबई इंडियंस ने एक विकेट खोकर 29 रन बनाया है, रोहित छोटे स्कोर पर आउट हो गए। इसके बाद ईशान किशन और कैमरन गिल ने पारी संभाली। हालांकि गुजरात के मोहम्मद शमी और हार्दिक पांड्या ने शानदार गेंदबाजी की है, दोनों ने गुजरात के बल्लेबाजों को बांध कर रखा है। 7 ओवर के बाद मुंबई का स्कोर एक विकेट पर 41 रन है, 43 के स्कोर पर मुंबई इंडियंस का दूसरा विकेट गिरा है। ईशान किशन 21 गेंदों में 13 रन बनाकर आउट हो चुके हैं। राशिद खान ने उन्हें जोश लिटिल के हाथों कैच कराया। अब कैमरन गिल के साथ तिलक वर्मा क्रीज पर है। तिलक वर्मा सब्स्टिट्यूट प्लेयर के रूप में कार्तिकेय सिंह की जगह बल्लेबाजी करने आए हैं। 208 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई इंडियंस की टीम मुश्किल में फंस चुकी है। 45 रन के स्कोर पर मुंबई का तीसरा विकेट गिरा है। राशिद खान तिलक वर्मा को विकेट के सामने फंसा। तिलक ने 3 गेंदों में 2 रन बनाकर 8 ओवर के बाद मुंबई का स्कोर 3 विकेट पर 45 रन है। 208 रन का लक्ष्य पीछा करते हुए मुंबई इंडियंस की टीम हार की तरफ बढ़ रही है। 59 रन के स्कोर पर मुंबई के 4 विकेट गिर चुके हैं। कैमरन गिल 26 गेंदों में 33 रन बनाकर आउट हो चुके हैं। नूर अहमद ने उन्हें क्लीन बोल कर दिया। ग्रीन ने अपनी पारी में 3 छक्के लगाए। 59 रन के स्कोर पर मुंबई इंडियंस का 5वां विकेट गिरा है। टीम डेबिट खाता खोले बिना आउट हो चुके हैं। नूर अहमद की फुल टॉस गेंद पर उन्होंने अभिनव मनोहर को कैच तमाम बैठा। अब सूर्य कुमार यादव के साथ निहाल वगैरह क्रीज पर है। 12 ओवर के बाद मुंबई का स्कोर 5 विकेट पर 75 रन है। 90 रन के स्कोर पर मुंबई इंडियंस का 6वां विकेट गिरा है। नूर अहमद ने अपनी ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव का कैच पकड़ा। इस मैच में यह उनका 3रा विकेट है। सूर्य कुमार यादव 12 गेंद में 23 रन बनाकर अपनी पारी में 1 छक्का और 3 चौके लगाए। 13 ओवर के बाद मुंबई का स्कोर 90 रन पर 6 विकेट हो चुका है। आपको बता दें दोस्तों इस मैच में मुंबई इंडियंस का बल्लेबाजी बेहद ही निराशाजनक रहा है और मुंबई इंडियंस खराब बल्लेबाजी करते हुए बेहद शर्मनाक पारी खेलते हुए इस मैच की हार की तरफ बढ़ रहा है। आपको बता दें दोस्तों कि टीम डेविड जैसा बॉल पे आउट हुए वो बॉल पे कहीं ना कहीं छक्का लगना था और उस बॉल पे टीम डेविड आसानी से आउट हो गया। हार्दिक पांड्या का शानदार कप्तानी देखने को मिला, वहीं मुंबई इंडियंस की तरफ से घटिया बल्लेबाजी देखने को मिला। 208 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई इंडियंस 15 ओवर के बाद 112 रन बना लिए 6 विकेट के नुकसान पे। पीयूष चावला और निहाल वधेरा क्रीज पर है। निहाल वधेरा 13 गेंदों में 26 रन और पीयूष चावला 5 गेंदों में 8 रन बनाकर क्रीज पर है। 135 के स्कोर पर मुंबई इंडियंस का 7वां विकेट गिर चुका है। पीयूष चावला 12 गेंद में 18 रन बनाकर आउट हो चुके हैं। निहाल वधेरा ने उनके साथ गलतफहमी के चलते वो रन आउट हो गया। अर्जुन तेंदुलकर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। 137 के स्कोर पर मुंबई इंडियंस का 8वां विकेट गिरा। निहाल वधेरा ने 21 गेंद में 40 रन बनाकर आउट हो चुके हैं। मोहित शर्मा की गेंद पर मोहम्मद शमी ने उनका कैच पकड़ा। अब अर्जुन तेंदुलकर के साथ जेसन वैनड्रॉप क्रीज पर है। 18 ओवर के बाद मुंबई का स्कोर 8 विकेट पर 139 रन है। 152 के स्कोर पर मुंबई का 9वां विकेट गिरा है। अर्जुन तेंदुलकर 9 गेंदों में 13 रन बनाकर आउट हो चुके हैं। मोहित शर्मा ने जोशुआ लिटिल के हाथों कैच कराया। अब जेसन वैनड्रॉप और रियल मैड्रिड क्रीज पर है। आपको बता दें दोस्तों कि इस मैच को मुंबई इंडियंस हार गया। इसको गुजरात टाइटंस ने 55 रनों से जीत लिया और 55 रनों से जीतने का यही कारण है कि गुजरात टाइटंस फिर से नंबर 1 बन गया है। पॉइंट टेबल में चेन्नई सुपर किंग्स दूसरे नंबर की टीम बन गई है, वहीं गुजरात टाइटंस नंबर 1 टीम बन गई है। और दोस्तों बता दें आपको रोहित शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव का फ्लॉप रहना भी इस टीम के लिए घातक साबित हो रहा है और ये तीनों खिलाड़ी का नहीं चलने की वजह से बार बार मुंबई इंडियंस को हार का सामना करना पड़ रहा है। इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डब्ल्यू ऑल बाय।